नमस्ते टेडीज, मैं आज आपको बताने वाली हूँ मैंगो और एवोकाडो स्मूदी। तो चलिए पहले देखते हैं ये स्मूदी। सो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले मैंगो को स्लाइस कर लेंगे। ये आधा मैंगो मैंने स्लाइस किया है और इसके साथ ही हम आधा एवोकाडो भी स्लाइस कर लेंगे। या मैंने आधा एवोकाडो लिया है। इन दोनों को मिक्स करके मैं प्यूरी बनाऊंगी। आप चाहो तो खाली एवोकाडो की भी खाली प्यूरी बना सकते हो। एवोकाडो को मिक्स करके बनाना के साथ या खाली एवोकाडो कर्ड के साथ भी आप दे सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों की प्यूरी बनाते हैं। एक जार लेंगे, उसमें हम एवोकाडो और मैंगो को डालेंगे और इसमें थोड़ा सा मैं दूध डालूंगी। क्योंकि मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ, मुझे ऐसे डब्बे में दूध मिलता है। आप चाहें तो काऊ मिल्क यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप फॉर्मूला मिल्क यूज़ करते हो तो आप फॉर्मूला मिल्क भी इसमें डाल सकते हो। स्मूदी को पीस के आप फिर इसमें फॉर्मूला मिल्क ऐड कर सकते हो। अच्छा हो तो थोड़ा सा वाटर मिला के भी आप बना सकते हो। इसमें मैं चीनी भी डालूंगी क्योंकि मैंगो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, तो मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डालूंगी। आप चाहे तो चीनी को अवॉइड भी कर सकते हो। इस तरह मैं इन दोनों को एक स्मूथ पेस्ट एज अ स्मूथी की तरह बनाऊंगी। इसे आप अच्छे से पीस लो, अच्छी कंसिस्टेंसी हो, एकदम स्मूथ, जो बच्चों को अच्छी लगे। आप चाहें तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हो, क्रीम या कर्ड, जो भी आपको पसंद हो। बहुत सारे वेरिएशंस हैं ऐसी स्मूदीज़ बनाने के लिए, तो आप उस तरह से ऐड करके इसे बना सकते हो। सो जब ये एकदम स्मूथ सी बन जाएगी तब हम इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये आप देख सकते हो कितनी स्मूथ है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। आप इसे रूम टेम्परेचर पे भी दे सकते हो या फिर इसे थोड़ा सा ठंडा करके भी दे सकते हो। इसमें मैं ड्राई गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट पाउडर ऐड करूँगी, जिससे ये और भी हेल्दी और भी न्यूट्रिशन से फुल बनेगी। एक हेल्दी स्मूदी बनेगी जो बच्चों के वेट गेन के लिए भी बहुत अच्छी होगी। ये ड्राई फ्रूट पाउडर की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। सो होप आपको ये स्मूदी पसंद आई हो, आपके बच्चा भी इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करे। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और भी मॉमीज़ के साथ शेयर कीजिएगा जो अपनी बेबीज़ को ये समर्स में इतनी हेल्दी स्मूदी दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।